हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक को जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। आज उसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी एक्चुअली क्या है, इसको देखते हैं हम। देखो, कंप्रेस, आपने वर्ड ये सुना होगा, ये जो कंप्रेस वर्ड है ये आपने शायद कभी कहीं सुना हो। देखो, कोई भी चीज़ कंप्रेस हो जाना मतलब स्क्वीज़ हो जाना, सिकुड़ जाना। या आप कह सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इन दोनों के दरमियान में क्या था, वाइडली जो है वो स्पेस था, ये एक दूसरे के साथ क्या थे, वाइडली सेपरेटेड थे। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस था, ठीक है, क्योंकि अब ये क्या थे, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस था। अब अगर इसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी तरफ से प्रेशर अप्लाई करती हूँ, तो अगर ये मॉलिक्यूल दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं तो अब इन्होंने जगह कम घेर ली, ठीक है ना। सो अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया। अब जब इसका वॉल्यूम कम हो गया है प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उतना वॉल्यूम कम होगा, तो ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड द इनवर्स रिलेशन यहाँ पर भी ऑब्वियस हो रहा है। अब क्या है कि ये गैस पहले क्या थी, फैली हुई थी, अब क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, ठीक है। अब इसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, अब ये सिकुड़ गई, अब इसने कम जगह घेरी हुई है, ठीक है ना। सो ये चीज़ कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है कि ऑल गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड। जो हमारे पास सारी गैसेस होती हैं ना, ठीक है, जिनके हम मोस्टली जो बात कर रहे हैं वो गैसेस की ही कर रहे हैं, तो गैसेस जो होती हैं वो सारी की सारी बहुत इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि गैसेस के पास ना कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है, और ना मतलब निग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, और जो उनका कोई शेप भी नहीं होता, ठीक है, ना शेप है इनके पास ना कुछ और है, मीन्स ना ये इनके पास कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो लिक्विड होता है उसके पास हमारे पास शेप नहीं होता, वो क्या करता है, जो हमारे पास कंटेनर होता है उसी का शेप ले लेता है। तो ये दोनों की क्या है, सिमिलैरिटी है, लेकिन फिर भी उसके पास वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनके पास निग्लिजिबल मतलब ना होने के बराबर वॉल्यूम होता है, लेकिन होता है, ठीक है। अब हम जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये क्या है कि ऑल गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड। जो सारी की सारी गैसेस हो जाती हैं वो क्या हो जाती है, इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक गैस है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर इनके दरमियान में क्या है, स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड हैं, तो क्या लिखा हुआ है, जो काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि गैसेस आर इजीली कंप्रेस्ड। गैसेस, जो गैस होती हैं उसको हम कंप्रेस इजीली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्यों, ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस, क्योंकि इनके दरमियान में क्या है, बहुत ज़्यादा खाली जगह मौजूद है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करके उन मॉलिक्यूल्स को करीब लेकर आओगे तो वो क्या हो जाएगी, चीज़ कंप्रेस हो जाएगी, वो वॉल्यूम कम घेरेगी, वो जगह कम घेरेगी, और जब वो कम जगह घेरेगी तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या हो गई है, कंप्रेस हो चुकी है, ठीक है। तो जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वे जिससे के करीब आ जाएंगे, जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे तो वो जगह कम घेरेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ये चीज़ क्या कहलाती है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। समझ आ रही है मेरी बात, सो अब इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब देखें, एयर स्क्वीज इनटू ऑटोमोबाइल टायर्स व्हेन द टायर इज पंचर द एयर रशेज आउट। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक गाड़ी का टायर है, ठीक है ना, बहुत बुरा बनाया मैंने, लेकिन सपोज़ कर लेते हैं कि ये एक टायर है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, गैस जो होती है वो भरी जाती है, ठीक है ना। अब जब वो भरी जाती है, जब क्या होता है, टायर पंचर हो जाता है, तो ये गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर निकल गई। तो जब बाहर निकल गई तो हमने जब इसके अंदर डाली थी, ठीक है, तो उसको कंप्रेस करके हमने अंदर इसको डाला था। अब ये जब बाहर निकल आई तो जो एयर होती है वो बाहर निकल आई, तो टायर क्या हो गया, पंचर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है कि हमने कंप्रेस करके गैस को इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है, तभी वो एक अपना स्ट्रक्चर बना के पर्टिकुलरली वो जो है वो मूव कर रहा था या वो चल रहा था, मतलब उसके पास एक पर्टिकुलर शेप था। जैसे ही उसमें से हवा कम हुई, मॉलिक्यूल्स का मतलब फॉर एग्जांपल 4 मॉलिक्यूल्स थे गैस के इसके अंदर, ठीक है, अब जैसे ही इसमें से ये टायर पंचर हुआ, इसमें से एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो अब 3 हो गए, अब इनके दरमियान स्पेस और ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, तो अब इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी जगह ज़्यादा घेर ली, मतलब इसके अंदर अब जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स तो कम है, लेकिन ये क्या हो गए, और दूर दूर हो गए। अब जब ये दूर दूर हो गए तो फिर हम इसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके, जैसे और एयर अगर डाल दी होगी तो हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो और मॉलिक्यूल्स के अंदर आएंगे, फिर ये और मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, घेर लेंगे जगह, ठीक है।
अब क्या है कि द रिवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज़ एक्सपेंसिबिलिटी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। जो हमने ये कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा रहा, इसका बिल्कुल रिवर्स, इसका जो ऑपोजिट है वो एक्सपेंसिबिलिटी है। अभी तक हमने जो कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि कोई भी चीज़ अगर एक वॉल्यूम जगह, कोई भी जगह जो है वो घेरे हुई है, ठीक है, अब हमने उसके ऊपर क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया है। और प्रेशर और वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, खाली जगह मौजूद होती है, तो जैसे हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, वो कम जगह घेरते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ क्या कहलाती है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब वो चीज़ क्या हो गई, स्क्वीज हो गई, वो चीज़ कंप्रेस हो गई, ठीक है। अब अगर इसी का हम उल्टा कर दें, अब एक चीज़ अगर कम हो रही है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, वो कंप्रेस हो रही है, वो स्क्वीज़ हो रही है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ एक्सपेंड होगी, फैलेगी, ठीक है। इसकी अपोजिट तो यही चीज़ होगी, अगर एक चीज़ सिकुड़ रही है दूसरी चीज़ फैल रही है, तो ये इसकी अपोजिट है। अब इसमें क्या होता है, हमने ये देखना है कि ये एक्सपेंसिबिलिटी क्या है। तो वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन सी एम क्यूब। ये जो वॉल्यूम हम जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम है क्या, ये हमारे पास जो है वो हम वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो चीज़ घेर रही है, मतलब हमारे पास क्या होता है, ये जो वॉल्यूम है ये हम कह सकते हैं कि जैसे एल क्यूब है, ठीक है, मतलब तीनों डायमेंशन में इसने जगह घेरी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें इसके वॉल्यूम के मेजर होने की बात हुई है कि आखिर हम इसे मेजर किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इसको सी एम क्यूब में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका यूनिट हुआ, और डी एम क्यूब में भी कर सकते हैं। एक डी एम क्यूब जो होता है वो 1000 सी एम क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखने वाली बात है, ये आपने याद रखनी है। अब द वॉल्यूम ऑफ गैसेज आर हाईली अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर मतलब अगर हम प्रेशर के अंदर तब्दीली लेकर आते हैं, मतलब प्रेशर कम या ज़्यादा करते हैं, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का, उस पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, क्या है कि हमारे पास अगर हम प्रेशर के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, प्रेशर के अंदर चेंज लाया मतलब हमने प्रेशर को कम किया या ज़्यादा किया, ठीक है, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, तो जो वॉल्यूम होगा गैस का वो क्या होगा, हाईली अफेक्टेड होगा, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। अब ये किस तरह से होगा देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक कंटेनर था, ठीक है, ये इतना वॉल्यूम लेके बैठा हुआ था, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले कितना था, पहले इसके ऊपर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेट रखा हुआ था, ये प्रेशर अप्लाई किया हुआ था हमने, ठीक है, ये हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्या है, प्रेशर है, समझ आ गई ये बात। अब ये पहले इसने ये वॉल्यूम अप्लाई किया था जब इसके पास ये प्रेशर था, इस प्रेशर को हम पी का नाम देते हैं, इस वॉल्यूम को हम वी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं प्रेशर कम कर देती हूँ, ठीक है, अब मैं किस तरह से प्रेशर कम कर देती हूँ कि ये वॉल्यूम हमारे पास वही है, ठीक है, छोटा बड़ा मत देखिएगा कि मैंने छोटा बनाया या बड़ा बनाया है, आप लोग अप्रॉक्सीमेटली सपोज कर लें एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि हाथ से बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के ऊपर प्रेशर का मैंने सिर्फ एक ही बार रखा है, तो मतलब मैंने प्रेशर क्या किया है, कम किया है। जब प्रेशर कम करूँगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम किस तरह ज़्यादा हो जाएगा कि इनके दरमियान में क्या हो जाएगी, स्पेस भर जाएगी। जैसे अगर ये पहले इतना था तो अब ये फॉर एग्जाम्पल कंटेनर इतना बड़ा हो गया, ये मॉलिक्यूल्स वही चार होंगे, लेकिन क्या होगा कि इनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसके ऊपर प्रेशर एक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला प्रेशर भी हटा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब ये सिर्फ इसके ऊपर एक भी नहीं है प्रेशर का जो बार है, अब ये इसके चार मॉलिक्यूल्स हैं, वो चार के चार ही मौजूद हैं, लेकिन क्या है, इनके दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा है, वाइडली सेपरेटेड है, तो इस तरह से ये क्या हो गई, चीज़ कंप्रेस हो गई। प्रेशर कम करने से वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो जो अगर प्रेशर के अंदर हम चेंज लेकर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी किस पे, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, अब आगे हम प्रेशर की तरफ, अब हम प्रेशर को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास कि जो प्रेशर होता है ना, ये क्या है, हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या मतलब, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की जा रही होगी, ठीक है, और वो किसी ना किसी एरिया पे हो रही होगी, पर यूनिट एरिया। अब देखो किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉक्स था, ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसने एक एरिया भी घेरा हुआ है, तो ये चीज़ कहलाएगी कि ये क्या है, प्रेशर है। फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या कहलाता है,
प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये मैंने पूरा पूरा लिखा था फोर्स को भी एरिया को भी, और यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी है, इसको शॉर्ट में लिखा है। ये पी जो है ये वाला ये है प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एफ जो है फोर्स का ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ए है एरिया का ये ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ए से रिप्रेजेंट किया। अब जो फोर्स होती है हमारे पास, हमने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर कि उसका जो यूनिट होता है हमारे पास वो होता है न्यूटन। ये जो एन लिखा हुआ है ये न्यूटन कहलाता है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, फोर्स का यूनिट है। ठीक है, इसी तरह से जो एरिया का यूनिट होता है, ठीक है, एरिया का जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है मतलब लेंथ इंटू लेंथ होता है। ठीक है, सो अब देखें कि हमारे पास क्या हो गया कि मतलब जो प्रेशर जो कि हमारे पास फोर्स ओवर एरिया था ये हमारे पास बराबर हो गया। ये जो फोर्स है ना उसकी जगह पे हमने न्यूटन लिख दिया है, और ये जो हमारे पास एरिया था उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर लिखा है। मतलब अब हमारे पास प्रेशर जो है वो बराबर हो चुका है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, मतलब ये चीज़ क्या है, इस तरह से डिवाइड में है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है ना, यहाँ पे शायद आपको समझ ना आ रहा हो लेकिन ये डिवाइड में है। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट की तरफ आ जाते हैं कि जो न्यूटन होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बराबर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पर कहलाता है। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये किसके बराबर है, न्यूटन हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, न्यूटन की जगह पे क्या लिखा है हमने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर सेम रहा है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा करके दिखाती हूँ कि सीन क्या हुआ है, कि प्रेशर हमारे पास बराबर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले एम को कट कर सकते हैं, मतलब इसका ये दो एम है ना, एम स्क्वायर है तो एक एम फॉर एग्जांपल हम कट कर देते हैं। ठीक है ना, सो क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये वाला अगर एम ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो सकते हैं, तो ये हमने कट कर दिया। तो अब हमारे पास जो चीज़ बची है वो क्या बची है, वो ये वाली चीज़ बची है, सॉरी नीचे वाले। ठीक है, ये बची है। अब ये कैसे बची, देखें, एक ये एम कट गया तो ये जब ऊपर जाएगा, एक एम बचा है नीचे डिवाइड में, तो ऊपर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये केजी तो ये सेम है। ठीक है, ये मीटर जो है ऊपर जाके इन्वर्स में हो जाएगा, और ये सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो सिंपली क्या हो गया, हमारे पास जो प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या आया है, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास टायर होता है उसके अंदर जो प्रेशर मौजूद होता है वो कितना मौजूद होता है, 28 PSI। ठीक है, कितना, 28 PSI हमारे पास क्या होता है, मौजूद होता है टायर के अंदर, जो कि क्या है, ज़्यादा है आउटसाइड द प्रेशर, जो हमारे माहौल में जो प्रेशर है उसके मुकाबले में ये क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका जो यूनिट हुआ, जो SI यूनिट है प्रेशर का हमारे पास, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का जो यूनिट है हमारे पास, वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन सा है, यही वाला जो कि हमने सिंपल यहाँ पे बात की थी कि फोर्स ओवर एरिया का, जो कि हमने लिखा था फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, SI यूनिट है, या फिर हम इसे पास्कल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, SI यूनिट हो गया। ये आपने याद रखना है क्योंकि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट्स बहुत पूछे जाते हैं, मे बी पास्ट पेपर में भी आई थिंक सो आया हुआ है। अगर आप NTSC पेपर पास्ट पेपर्स की बात करें तो आपने याद रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के है। और वैसे भी अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अगर टेस्ट वगैरह या फिर अकेडमी वगैरह में कहीं भी पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के MCQs आपको बना के दे सकते हैं। इसको मैं कर देती हूँ क्लियर, ताकि अगर आप लोगों ने लेना हो स्क्रीन शॉट तो आप लोग ले लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।